हेलो गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट सेकंड में स्टूडेंट। लास्ट टाइम अपने विलाई के अंदर उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब अपने जो इंडिविजुअल है जो सिलेबस के अंदर है लिक्विड अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड और कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द वाटर के साथ में है इनके। तो आज हम द्रव अमोनिया विलाई के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में कुछ अभिक्रियाएं तो जल में, अधिकतर अभिक्रियाएं वो जल में होती हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं हैं वो द्रव अमोनिया विलायक में होती है। इसलिए द्रव अमोनिया विलायक में सबसे पहले उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन है वो तीन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंध बना करके, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके तीन सहसंयोजक बंध बनाता है, और साथ ही उस नाइट्रोजन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है। इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी बंधी इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर पर ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर धनात्मक आवेश उपस्थित होने के कारण इनमें पोलराइजेशन नेचर गुण उत्पन्न होता है। पोलराइजेशन नेचर गुण होने के कारण से सभी बंधी इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से इसके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो जाता है। साथ ही इसमें उपस्थित बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री 20 मिनट का होता है, जबकि इसकी संरचना है वो चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन चतुष्फलकीय संरचना न होकर के चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना होती है, कारण कि नाइट्रोजन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, सॉरी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण है। इस कारण से इसमें बॉन्ड एंगल का मान है वो 109 डिग्री 48 मिनट में होकर के 107 डिग्री 20 मिनट होता है। साथ ही इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, कारण कि इसमें एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जिसके कारण से sp3 संकरण होने के कारण इसकी संरचना क्या चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसकी संरचना में परिवर्तन यानी विकर्ण चतुष्फलकीय संरचना उपस्थित होती है, जिसके कारण से ये टेट्राहेड्रल पिरामिडीय संरचना बनाता है। इसके अणु में प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित अवस्था में होते हैं, यदि अयुग्मित होते तो इसकी प्रकृति है वो अनुचुंबकीय होती, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण से इसकी प्रकृति है वो प्रतिचुंबकीय होती है। पोलराइजेशन नेचर का कारण कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अधिक विद्युत ऋणता अंतर होने के कारण से नाइट्रोजन पर ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर धन आवेश उपस्थित होने के कारण इसमें पोलराइजेशन गुण भी पाया जाता है। विस्कोसिटी, इस विलायक ये विलायक अधिक कंसंट्रेट होता है, यानी गाढ़ा विलायक होने के कारण से इसकी श्यानता का मान है वो 2.41 पॉइंट होता है, जबकि जल की श्यानता का मान 1.0 पॉइंट होता है, कारण कि वह अमोनिया की कंपेरेटिवली पतला द्रव है, इसलिए इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं जल के अंदर अधिक होती है। यदि ये भी डायलॉग होता तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएं अधिक होती, लेकिन ये कंसंट्रेट होने के कारण से इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं वो इसमें कम होती है। डाइपोल मोमेंट, इस विलायक का यानी म्यू डिफिकल्टी T×L आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो जल का डाइपोल मोमेंट है वो 1.84 डिवाइड होता है, जबकि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट है वो 1.48 डिवाइड होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिस विलायक का डाइपोल मोमेंट का मान अधिक होता है वो सुटेबल विलायक होता है, कारण कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को विलय करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटॉन एफिनिटी यानी प्रोटॉन बंधुता। विलायक का
यदि मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करके ऊर्जा मुक्त करता है तो उसे प्रोटॉन एफिनिटी कहते हैं, यानी प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। तो अमोनिया मिलाई की प्रोटॉन बंधुता जल की अपेक्षा अधिक होती है, यानी 865 किलो जूल प्रति मोल होती है, जबकि जल की जो प्रोटॉन एफिनिटी का मान है वो 760 किलो जूल प्रति मोल होता है। इसलिए यह है, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के साथ से भी हाइड्रोजन परमाणु लेकर के यह प्रोटॉन बंधुता गुण दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली रिएक्शन है ऑटो आयोनाइजेशन, यानी शब्द आयनन क्रिया। NH3 यानी द्रव अमोनिया विलायक में सभी मॉलिक्यूल है वो आपस में शब्द ही आयनित होते हैं, यानी कारण कि इनको आयोनाइजेशन सॉल्वेंट में शामिल किया गया है, इसलिए ये धनायन और ऋणायन बनाते हैं। तो अमोनिया मॉलिक्यूल आपस में शब्द क्रिया करके अमोनियम आयन और एमीन आयन बनाते हैं, जिसे अमोनिया यदि किसी विलेय पदार्थ को इसमें डाला जाता है और अमोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो वो अम्लीय आचरण देगा, और यदि NH2 नेगेटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो वह क्षारीय गुण दर्शाएगा, इसलिए इसमें ऑटोआयनाइजेशन गुण पाया जाता है। साथ ही नंबर 2 रिएक्शन प्रोटॉन एक्सेप्टर नेचर, ये इसके प्रोटॉन बंधुता गुण के कारण होती है, जिसके कारण से ये प्रोटॉन को लेकर के अमोनियम आयन बनाता है और साथ में ऊर्जा मुक्त करता है, जिसे प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। जैसे NH3+H+ NH4+ Pa अब यदि जल को भी अमोनिया में मिलाया जाए तो ये जल से भी प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन ग्रहण करने पर ये अम्लीय और जल है वो क्षारीय गुण दर्शाता है, इसलिए NH3+HO ये मीडिएटर बनाता है, यानी मध्यम संकुल। तो इसलिए NH4+OH-, तो अमोनियम आयन है वो जल के कारण से जल के एक हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करके अमोनियम आयन का निर्माण करता है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर गुण दर्शाता है। ये पहले रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है जब एसिटामाइड को अमोनिया विलायक में विलय करेंगे तो यहाँ पर ये एच आयन देगा, जिसके कारण से ये कारण क्या है, ये यहाँ पर जबकि एसिटामाइड है वो क्षारीय है, लेकिन जब इसे द्रव अमोनिया में विलय करेंगे तो ये अम्लीय आचरण दर्शाएगा, जिसके कारण से CH3CO NH- NH4+ ये भी किस कारण से होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर गुण, यानी इसकी प्रोटॉन बंधुता का मान अधिक होता है, जबकि एसिटामाइड को जल में विलय करेंगे तो ये यहाँ पर क्षारीय गुण दर्शाएगा, जब और एच आयन वो CH3CO NH3 बन जाएगा और OH- बनेगा, तो इसलिए जल के अंदर एसिटामाइड है वो क्षार के समान आचरण करता है, जबकि प्रोटॉन एफिनिटी के कारण अमोनिया विलायक में ये अम्लीय आचरण देगा। इसी प्रकार यूरिया को यदि अमोनिया विलायक में मिलाते हैं तो ये यहाँ पर भी यूरिया है वो एक अम्लीय आचरण गुण दर्शाता है, NH2CO NH- NH4+ ये भी अमोनिया विलायक अणु में प्रोटॉन एक्सेप्टर गुण के कारण होता है। तीसरा एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो जल के अंदर एच आयन है वो देता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रबल अम्ल के समान कार्य करता है अमोनियम विलायक में। जब भी अपने एसिटिक अम्ल को अमोनियम विलायक में डालेंगे तो शीघ्रता से ये एच आयन देकर के अमोनियम आयन का निर्माण करता है, ये गुण भी इसकी प्रोटॉन एक्सेप्टर के कारण प्रोटॉन बंधुता के कारण होता है। इसलिए एसिटिक अम्ल है वो जल में दुर्बल अम्ल है, जबकि अमोनियम विलायक में प्रबल अम्ल के समान कार्य करता है। तीसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्शन। अमोनिया विलायक में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी होती है, हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा है प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहाँ ये प्रोटॉन ग्रहण करता है लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी रखता है, यानी ये एक लुईस अम्ल के समान आचरण देता है। जैसे NH3+BF3=NH3BF3 ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट, तो इसको हमेशा एडिशन प्रोडक्ट को बड़े कोष्टक में इसे संकुल भी कह सकते हैं, यानी NH3 और BF3 के मध्य एक
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, यानी नाइट्रोजन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है, जबकि BH3 है वो एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसलिए ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको डोनेट करता है और इसके साथ में कुछ संयोजक बंध बनाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने टेट्रा एक्वो कॉपर प्लस टू, यानी सेकेंड आयन, ये एक संकुल है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कॉपर आयन है वो DSP2 संकट बना करके एक स्क्वायर प्लानर संरचना का यौगिक बनाता है, लेकिन जब इसे अमोनिया विलायक में डाला जाता है तो अमोनिया विलायक H2 के कंपैरेटिवली एक प्रबल उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है, जिसके कारण से CuNH3 का होल फोर प्लस टू संकुल बनता है, तो साथ में 4H2 मॉलिक्यूल मुक्त हो जाते हैं। जैसे मैंने इसकी स्ट्रक्चर को दर्शाया है, इसकी संरचना वो स्क्वायर प्लानर होती है और इसमें DSP2 संकरण पाया जाता है, साथ ही इसमें एक कॉपर आयन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है, जिसके कारण से इस संकुल की प्रकृति है वो अनुचुंबकीय होती है। ठीक है, इसका तीसरा एग्जांपल है AgH2O का होल टू प्लस, यानी डाई एक्वो अर्जेंटो फर्स्ट, इसकी जब अमोनिया विलायक में इसको डाला जाता है तो अमोनिया मॉलिक्यूल सिल्वर के साथ में प्रबलता से उपसंयोजक बंध बना करके इस AgNH3 का होल टू प्लस ऐसा संकुल बनाते हैं जो एक लीनियर संकुल है। इसमें sp संकरण पाया जाता है और NH3O2 दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा सिल्वर के साथ में जुड़े होते हैं। SiF4 ये भी एक, इसमें सिलिकन में डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, जिसके कारण से दो अमोनिया मॉलिक्यूल इसके दो रिक्त डी कक्षक को देकर के दो उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं और ये भी एक एडिशन प्रोडक्ट या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं।